सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। देखो जितने भी डेरिवेशन मैं बताऊंगा ना, उसमें से आपको पेपर में दिखेगा 2 से 3, 4, और किस्मत अच्छी रही तो सारे दिख जाएंगे। हर चैप्टर में जो पॉसिबल डेरिवेशन है यही है। देखो जैसे हमने लिखा है चैप्टर 3 में जो हर बार आया है, ऐसा नहीं कुछ और आ गया। अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस 2023 सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही होने वाला है। और जैसा कि एक सीनियर टीचर ने टिक भी लगाया, मुझे अच्छा लगा, उसके सर है, काफ़ी सीनियर है ना, बूढ़े हैं, उन्होंने ये टिक लगा रखा है कि बेटा ये करके आना पास हो जाओगे। तो चलो हमने उनकी भी बात सुन ली, और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम चैप्टर 3। अगर आएगा तो ये आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेंगे। वैसे चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है ना, चैप्टर 6 सबके हम देखेंगे बड़ी जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। चैप्टर 3, चैप्टर 4 जितने भी है सबको बढ़िया से देखते फटाफट। पहले मैं चैप्टर 3 से स्टार्ट करूंगा, और चैप्टर 3 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफिकल मेथड क्या ये समझते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट इसको समझते हैं। देखो मतलब हमें पता क्या करना है, हमें ये सब रिलेशन ड्राइव करना है कि भाई वी इज इक्वल टू ना यू प्लस ए टी होता है, पर ग्राफ के हेल्प से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ। अब ये करेंगे कैसे हम लोग, तो देखो ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या रहेगा, पहले तो हमने टॉपिक का नाम समझ लिया, अच्छे से लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का रिलेशन विथ ग्राफिकल मेथड, है ना। तो करना क्या, पहले ग्राफ बनाएंगे हम। देखो समझना, मैं ग्राफ किसके किसके बीच में बना रहा हूँ ये समझना। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरफ रखूंगा मैं वेलोसिटी, क्या रखूंगा इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ रखूंगा मैं टाइम, क्या रखूंगा टाइम, मेरी बात को समझना। इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ टाइम। अब ध्यान से समझना, हम बोलेंगे देखो अगर ये वेलोसिटी है तो किसी भी पार्टिकल की कुछ ना कुछ, अगर ये जीरो वेलोसिटी कितनी है, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। भले ये कितनी, देखो ये जीरो है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 2, 4, 5, 6 कुछ भी, फिर वो मूव करते जाएगा। जब वो मूव करेगा तो टाइम बीतेगा, देखो टाइम भी बढ़ रहा है और वो बंदा आगे मूव कर रहा है। तो मान लो यहाँ पर जाके वो रुका, या यहीं पर अभी वो यहाँ पर खड़ा है, ये खड़ा नहीं है, चल रहा है मान लो, तो इस टाइम पर हम बोलेंगे कि जो भी वेलोसिटी होगी इसकी, ये कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। क्या आपको याद हो गया हाथों हाथ, तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। अब कहानी को समझना, कहानी को समझना। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं सभी लाइन को मिलाता हूँ, ऐसे सबको मैंने ऐसे मिला दिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक ग्राफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ग्राफ, जिसमें मैं बोलता हूँ मान लो ये एंगल थीटा है, एंगल कितना है थीटा। अगर मैं इस ग्राफ में ये वाली हाइट निकालूँ तो v माइनस यू निकलेगा, क्या निकलेगा, v माइनस यू। अब मुझे बताओ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसी ग्राफ की हेल्प से मुझे सारे रिलेशन निकालने हैं, तो पहला तरीका क्या, देखो पहला तरीका ये है कि आप इस ग्राफ का निकालो टैन थीटा, क्या निकालो, अगर टैन थीटा को बोलते हैं हम स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप, और पता नहीं इसी को बोलते हैं टैन थीटा को बोलते हैं हम स्लोप, क्या बोलते हैं, और स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर क्या है, वी माइनस यू, और बेस क्या है बेटा, बेस है आपका टी, जो भी टाइम लग रहा है, टाइम है ना टाइम, बेस क्या है टी। अब देखो टेन थीटा को बोलते हैं हम स्लोप, स्लोप क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। अब छोटी सी बात याद कर लो, मैंने सिखाया था आपको, अगर अगर मैं ऐसे बोलूँ आपसे वी अपॉन टी क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर वी अपॉन टी का मतलब एक्सेलरेशन होता है ना, तो देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो है, ये क्या होता है एक्सेलरेशन, तो हम इसको लिख देंगे ये एक्सेलरेशन है। क्या है, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अगर मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूँ तो देखो क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू प्लस यू इज इक्वल टू वी, यानी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या बात समझ में आ गया, तो क्या समझ में आया, अगर मुझे पहला रिलेशन ड्राइव करना है तो मैं क्या निकालूंगा, टेन थीटा, क्या निकालूंगा टेन थीटा। ये बात समझ में आ गया, टेन थीटा से पहला रिलेशन निकलेगा, टेन थीटा से पहला रिलेशन निकलेगा, देखो टी ए एन, टेन थीटा से क्या निकलेगा, पहला रिलेशन। समझ में आ गया, तो ऐसे याद कर लो, इसके अंदर होता है ए टी, क्या होता है ए टी, यानी मुझे अगर ए टी वाला रिलेशन चाहिए होगा तो मैं टेन थीटा लगाऊंगा, क्यों, देखो ए टी आ रहा है इसमें भी। हाँ। तो याद हो गया कि अगर मुझे ए टी वाला रिलेशन चाहिए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मैं क्या निकालूंगा टेन थीटा, क्योंकि उसमें भी ए टी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है ए टी। तो अगला देखो, अगला क्या ड्राइव करना होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लोगे, अगला क्या ड्राइव करना होता है, अगला कहते हैं कि भाई आप ये ड्राइव करके दिखाओ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कैसे ड्राइव किया जाता है समझना, देखो इस चीज को समझना, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और एस पर ऐसे याद कर लो सारा, क्या याद कर लो सारा, सारा मतलब बोलते रहे सारा का सारा, मुझे सारा चाहिए, क्या चाहिए सारा,
तो याद कर लो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब क्या हो गया, सारा, सारा यानी इस पूरे का एरिया निकालना है, सारा का सारा, सारा का सारा एरिया निकालना है, बात खत्म, बात समझ में आ गया। एस फोर डिस्प्लेसमेंट, एस फोर क्या होता है, स, स यानी सारा, यानी पूरा एरिया निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो बताओ एरिया कैसे निकालूं मैं, इस पूरे का एरिया कैसे निकालूं, तो नीचे वाले का एरिया मैं इसको बोल देता हूँ ए वन, क्या बोल देता हूँ ए वन, इसको क्या बोलता हूँ ए टू, ए वन प्लस ए टू हमें मिल जाएगा आंसर। तो फटाफट मैं पूरा का पूरा निकालता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा एरिया, एरिया अंडर जो भी ग्राफ है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, हमने वी टी ग्राफ बनाया ना, सारा का सारा एरिया ले लेंगे, तो नीचे वाला जो एरिया आएगा ए वन, ऊपर वाला क्या आएगा ए टू, और ए वन था एक रेक्टेंगल, क्या था एक, एक ऐसा रेक्टेंगल था, क्या था ऐसा रेक्टेंगल, जो यहाँ पर जीरो पॉइंट था, यहाँ पर यू था, और यहाँ से यहाँ तक क्या था टाइम, ठीक से देखो, ठीक से देखो, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर यू है, यू दिख रहा है, और यहाँ इस लाइन में क्या है टाइम है ना, तो लेंथ मिल गया मुझे, ये लेंथ मिल गया, ये विड्थ मिल गया, तो एरिया निकल सकता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, तो ये आ गया यू टी, क्या आ गया यू टी। अब ए टू निकालो, तो ए टू देखो ठीक से, ए टू मतलब ये ट्रायंगल, ए टू मतलब ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है टी, हाइट कितना है वी माइनस यू, तो आप क्या बोलोगे, हाफ बेस कितना है, बेस, बेस है टी और वी माइनस यू, वी माइनस यू, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलोगे सर वैसा तो नहीं दिख रहा, वैसे थोड़ी दिख रहा है हमें, हमें तो चाहिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर तुम ये मत भूलो, तुम ये मत भूलो, पहले निकाल चुके तुम वी माइनस यू क्या होता है ए टी, देखो ना v माइनस यू किसके बराबर होता है a इंटू टी, v माइनस यू क्या होता है a t, ये तो सबको याद होता है, तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें v माइनस यू की जगह पुट कर देंगे, तो बेटा ये हमारा डेरिवेशन आने का चांस हो गया, v माइनस यू क्या होता है a t, तो बस आंसर आ गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या आ गया। तो देखो पहला इक्वेशन में मैं कैसे ड्राइव करूंगा, उसमें आता है पहले इक्वेशन में ए टी, क्या आता है, तो मैं लिखूंगा टेन, क्या लिखूंगा टेन, क्योंकि टेन में भी क्या आता है ए टी, खत्म हो गया। दूसरा क्या, एस का मतलब सारा, सारा मतलब पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, देखना थर्ड इक्वेशन हमें ये ड्राइव करना है, थर्ड इक्वेशन ये ड्राइव करना है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, यानी कि भाई समझो मेरी बात को, एस होना चाहिए, एस क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं भी टी नहीं है, कहीं भी टी नहीं है। तो देख अगर मैं इसी इक्वेशन को देखता हूँ, समझ, मेरा टारगेट ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू एस, मेरे को इसमें एस तो मिल गया, मेरे को यू चाहिए यू, अरे यू भी मिल गया यहाँ पे, बात समझ पा रहा है, मेरे को ए चाहिए ए भी मिल गया, लेकिन इस वाले में टी नहीं है, इस वाले में टी है, तो यहाँ पर हम टी टी को हटा देंगे, टी को, तो याद कर पीछे तो नहीं ये पढ़ा था वी माइनस यू बाई टी ए एक्सेलरेशन, ये पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन इजिकल टू वी माइनस यू बाई टी, तो कुछ मत कर यहाँ से टी निकाल ले, क्या निकाल ले, t क्या आ जाएगा बता, v माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए, उस t को यहाँ पुट कर दे तेरा आंसर निकल आएगा, देख u t की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ, v माइनस यू बाई ए, ठीक है यहाँ पर एक, ठीक है t की जगह पुट किया, t की जगह पर, ठीक है, प्लस में हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी v माइनस यू का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a ना, यहाँ तो a का स्क्वायर बाहर आ गया, बात ही समझे, अरे अरे यार पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यार, v का भी स्क्वायर, v माइनस यू का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो मैंने खोल के लिख लिया, आप अगले स्टेप में देख आंसर जरा हाथ में, आंसर अगले स्टेप में आंसर हाथ में कैसे, देख कुछ मत कर मल्टीप्लाई कर दे, यू वी माइनस यू का स्क्वायर, देख यू इंटू वी यू का स्क्वायर बाई ए, देख ए से ए कट गया, हाफ बचा ए बचा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचा वी माइनस यू का होल स्क्वायर, वी माइनस यू का होल स्क्वायर, अब मैं देख जानबूझ के क्या करूँगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, अरे खोल दिया मैंने, क्या कर दिया, देख यहाँ पर ए दिख रहा है, अरे तेरे को यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ ए दिख रहा है, दोनों को कॉमन लेके बाहर भेज दे यहाँ पर, तो एस इंटू ए इधर हो गया, यहाँ क्या बचा u इंटू वी, यू इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर, हाफ बचा यहाँ पर, क्या बचा, इस हाफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देख हाफ वी स्क्वायर हाफ यू स्क्वायर माइनस, हाफ से हाफ कट जाएगा ये, अरे टू का वन बाई टू का भेज रहा हूँ ना, क्या बचेगा v इंटू यू, क्या बचेगा, अब देख तेरा आंसर आ गया, देख देख छोटी सी कैलकुलेशन थी, देख ले बेटा आंसर आ गया, देख ये इससे गया वी यू गया, समझ पा रहे मेरे बच्चे, अब देख यहाँ पर है एक यू स्क्वायर, यहाँ पर है आधा यू स्क्वायर, तो माइनस का आधा यू स्क्वायर बचेगा, क्या बात समझ पा रहा है, अरे ये आधा ये एक है और माइनस साइन यहाँ पर है, तो माइनस का हाफ यू स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का हाफ वी स्क्वायर है ही, देख गया, अब यहाँ पर क्या है ए एस, क्या है, तो आंसर बन गया ना, उल्टा कर दे इसको, हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इजिकल टू ए एस, टू इधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो टू ए एस इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू को इधर भेज दिया यार,
टू को कॉमन लेके इधर भेज दिया। देख बड़ा आसान था, सुन सुन बेटा, फर्स्ट अगर तू फंस गया ना, सुन मेरी बात सुन, अगर तू फंस जाए तू पुट करके लास्ट में आंसर लिख दियो। तीन मार्क का क्वेश्चन है, ढाई तो मिल जाएगा, दो तूने कर लिया, एक आधा कर दिया। यहाँ कैलकुलेशन था और कुछ काम नहीं था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना था बस। अब दोबारा अगर मैं तुम्हें पूरा बताऊँ पूरा मैंने क्या किया, पहली बार में मैंने टेन थीटा निकाला, क्या निकाला ग्राफ से, मैंने क्या निकाला टेन थीटा निकाला। दूसरी बार में सारा का सारा एरिया निकाला, अब एरिया में इसका यूज़ किया, एरिया में इसका यूज़ किया था मैंने। फिर मैंने क्या किया, इसी में से तीसरा डिराइव करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया, टी का पुट किया। जब मेरे को टी नहीं चाहिए था मैंने टी की जगह पर पुट कर दिया पहले इक्वेशन से, तो पहला निकल जाएगा, दूसरा उसकी हेल्प से और तीसरा भी उसी की हेल्प से। तो इस प्रकार से ये वाला डेरिवेशन हमारा खत्म हो गया। आप नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, छोटे छोटे बच्चे ना बहुत तेज चलाते हैं ना, उनको स्टार्टिंग से ट्रेन कर रहे हैं हम। ध्यान दो बेटा, अगला पढ़ रहे हैं हम चैप्टर फोर में। देखो चैप्टर थ्री में यही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने 10 मिनट लगाया और ईमानदारी से सीख गए, अच्छे से रटना भी नहीं पड़ा बस सीख गए। अब चैप्टर थ्री सीख चुके हैं ना, अब करेंगे चैप्टर फोर। अब चैप्टर फोर में कुछ आए ना आए, एक चीज बहुत फेमस है, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो इसकी डेरिवेशन कितनी आसान है, कुछ बातों को समझते हैं पहले। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बेटा, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं इसको? अब हॉरिजॉन्टल से क्या करते हैं बेटा, ऐसे हम वेलोसिटी देते हैं किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉल को, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी चीज को। तो वो होता क्या है, यहाँ से एंगल बनने के कारण वो ऐसे जाके गिरता है, और इसी मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक। कैसा होता है पाथ? पैराबोलिक। पाथ होता है पैराबोलिक, और पाथ का एक और नाम होता है ट्रेजेक्ट्री। क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें हमें चार चीज फाइंड करने के लिए देता है एग्जामिनर, क्या क्या फाइंड करने के लिए देता है कि बताओ भाई कितना ये दूर गया, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? वो कहेगा आपसे रेंज फाइंड कीजिए, वो कहेगा आपसे कि बॉल कितना ऊपर गया था फिर नीचे आने लगा, आप हाइट फाइंड कीजिए मैक्सिमम, क्या कीजिए। और वो आपसे बोलेगा कि जब वो यहाँ से शुरू हुआ और बॉल गिरता है यहाँ पर, तो यहाँ तक का टाइम बताइए, यहाँ तक का। और ये भी पता कीजिए कि पास पैराबोलिक है या नहीं। पैराबोलिक पाथ का मतलब है कि वाई अगर ए वन होगा तो एक्स कैसा होगा? टू। वाई अगर वन होगा तो एक्स क्या होगा? टू। ये भी प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो इन सभी बातों को सीखने के लिए क्या क्या बातें मुझे रट लेना चाहिए, क्या क्या बातें आपको रट लेना चाहिए, मैं आपसे बोलूँगा। पहली बात ये याद कर लो कि जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि वाई के अंदर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। वाई के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। आप समझना, लेकिन वाई में जब वो जा, समझ गया ये बात समझ में आ गई। दूसरी ये बात याद कर लो, जब यहाँ पर वो लौट जाएगा तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। यहाँ पर भी वाई क्या होगा? जीरो। क्या बात समझ में आ गया? अब मैं कुछ और बातें आपको रटवा रहा हूँ जो याद करवा रहा हूँ, ध्यान कर लो। वेलोसिटी इन वाई समझना, छोटी छोटी बातें। अगर पहले यहाँ से देखो अगर आपने किसी को किसी एंगल पे फेंकते ना, कभी भी किसी भी एंगल पे फेंकते हैं, उसके दो हिस्से होते हैं। किस तरफ? देखो पार्टिकल इधर भी जा रहा है, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, मतलब इधर जो वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं हम यू कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? और ऊपर जो वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं यू साइन थीटा। देखो अगर इतनी बातें तुमने याद कर ली, तुम्हारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन यू ही हो जाएगा कि इनिशियली इस तरफ वेलोसिटी होता है यू कॉस थीटा, इस तरफ होता है यू साइन थीटा, और बीच में होता है यू। यू के दो हिस्से, बात समझ में आ गया। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं रेंज। यहाँ पर वाई जीरो होता है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाई जीरो होता है। ध्यान दे बेटा इधर। अच्छा मैं बोलूँगा कुछ बातें याद करो, कौन कौन सी बातें याद करवाओगे सर? सुन लो बेटा फिर। मैंने कहा पहली बात ये याद कर लो, देखो याद कर लो ये वाली बात कि वेलोसिटी इन वाई इनिशियली कितना होता है। इनिशियली वेलोसिटी इन वाई जो होता है इनिशियली यू, वो होता है यू साइन थीटा। दिख रहा है तुम्हें? अरे यू साइन थीटा, वाई की तरफ क्या होगा? यू साइन थीटा। एक्स में क्या होगा? यू कॉस थीटा। ठीक है, अब दूसरी बात, वाई में एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी। क्या होगा? वाई में जो एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या बोल रहे हम? ग्रेविटी। जी बोल रहे, क्या बोल रहे? जी। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना कि वाई में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ग्रेविटी, माइनस का नीचे की तरफ। देखो किसी को ऊपर फेंकोगे नीचे लगेगा ग्रेविटी, लेकिन एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। अरे एक्स में धरती थोड़ी खींचता है, धरती ऊपर नीचे खींचता है, तो वाई में एक्सेलरेशन होगा, एक्स में एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो क्या क्या बातें याद करी? ऊपर वेलोसिटी वाई वाली जीरो, यहाँ वाई जीरो, बात समझ में आ गया। इसको रेंज बोलते हैं, यहाँ तक के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ तक के टाइम को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, बात समझ में आ गया। इधर वेलोसिटी यू साइन थीटा, इधर यू कॉस थीटा, बीच में यू, इसको मैक्सिमम हाइट। आप क्वेश्चन को कैसे कैसे करेंगे? देखो
पहला हम करने जा रहे हैं हाइट मैक्सिमम, क्या करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, क्या बोलते हैं इसको मैक्सिमम हाइट, क्या बोलते हैं इसको मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कैसे ड्राइव करेंगे देखना, बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस इतना याद रखना है कि जब मैक्सिमम हाइट होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाई हो जाता है जीरो, वेलोसिटी ऑफ वाई क्या हो जाता है जीरो। तो आप अगर इक्वेशन यूज करते हो कि वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई का स्क्वायर इनिशियली, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि एच है, जो कि क्या है वाई में तो एच होगा ना, अब एक्सेलरेशन जो था वो जी था, वाई में एक्सेलरेशन जी होता है नेगेटिव का किसका। अब मैंने क्या कहा कि ये वाली वैल्यू जो है वाई में फाइनल जीरो हो जाएगा, वाई में जाके फाइनल तो जीरो हो गया, ये खत्म हो गया। और इनिशियली वाई में क्या बताया सर ने, इनिशियली वाई में बताया आपको यू साइन थीटा, क्या बताया यू साइन थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई थीटा या माइनस टू जी एच, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई टू जी, ये आपका मैक्सिमम हाइट ड्राइव हो गया। क्या ये बड़ा ईजी था, क्या याद हो गया तुम लोगों को, बड़ा आसान था। अगली बार क्या ड्राइव करने को बोलेगा वो आपसे बोलेगा भाई ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक क्या आने का टाइम बताओ, वो आपसे बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करने के लिए हमने याद कर लिया था जब पार्टिकल लौटेगा तो एक्स में कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई जीरो होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस बार वाई के लिए लगा दो तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन कि सर ने सिखाया था कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो माइनस का जी होगा तो माइनस जी टी स्क्वायर। अब बताओ ये वाई का इक्वेशन है तो यहाँ पर स्पीड भी किसकी आएगी, वाई की, एक्स की नहीं आएगी, ध्यान रखना किसकी आएगी वाई की। तो फटाफट हम बोलेंगे सर जब वो लौटेगा तो यहाँ पर वाई तो जीरो होगा, अरे लौट के वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है पता ना, एक्स पर वाई नहीं होता तो ये जीरो हो गया और इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या होता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर तुमने टी को कॉमन ले लिया यहाँ से तो देखो टी कॉमन आ गया यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू में क्या है जीरो। अब बताओ जब दो चीज मल्टीप्लाई में जीरो के बराबर हो तो इसको भी जीरो पुट करते हो और इसको भी क्या करते हैं जीरो, यानी कि मैं बोलूंगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी मेरे किसके बराबर होगा जीरो के बराबर, तो यू साइन थीटा किसके बराबर हो गया हाफ जी टी के बराबर, और यहां से अगर मैं टू भेज दूं इधर टू साइन थीटा बाई जी तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपसे एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा याद कर लो, आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो बोलता है कि आधे रास्ते का टाइम बताओ, यहाँ तक का टाइम बताओ, मैक्सिमम का टाइम बताओ, आधे का तक का टाइम बताओ, तो इसको टू से डिवाइड कर देंगे तो बोले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्या पूछे वो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, मैंने इसका आधा कर दिया, दो था ये आधा कर दिया, बात समझ में आ गया, तो ये भाई हमारा हो गया, क्या बात तुम्हें समझ पा रहे हो, लॉजिक रखना है याद हो जाएगा। अगला बात करें, अगला क्या है बताओ, अगला था हमारे पास क्या निकालने के लिए, हाइट निकाल लिया रेंज, अब रेंज समझना, रेंज वो कह रहा है कि पार्टिकल को जब फेंका तो ये वाली डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो डिस्टेंस, यानी मुझे एक्स में निकालना है, किसमें निकालना है तो मैं लगा दूंगा एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो अब मुझे बताओ, सर ने बोला था एक्सेलरेशन वाई में नहीं होता, वाई में एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, सॉरी वाई बोल रहा हूँ मैं, एक्स में, एक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, तो यू इंटू टी ये पूरा जीरो हो गया, क्या हो गया जीरो। तो अगर यहाँ से मैं एक और छोटी सी बात याद कराऊँ, ये एक्स का है तो यहाँ पर वेलोसिटी भी एक्स का आएगा, किसका आएगा, तो देखो क्योंकि मेरे को निकालना है एक्स में है ना, तो फॉर्मूला एक्स का लगाऊंगा ना, अब यू एक्स क्या होगा, वो होगा यू कॉस थीटा इंटू टी। चलो यहाँ से पहले एक छोटी सी बात याद कर लो, क्या याद कर लिया मैंने, चलो लिख लेते हैं U cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो ये छोटी सी इक्वेशन है जो याद कर लेंगे, काम आ सकता है कभी भी। अब देखो अब मुझे रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज का मतलब क्या होता है समझना, रेंज का मतलब होता है यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस उसको मैं R बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ R। तो यहाँ पर टाइम भी मुझे कहाँ का पुट करना पड़ेगा, यहाँ तक का टाइम, और यहाँ तक का टाइम मैंने पीछे ड्राइव किया था 2u sin थीटा वाई जी, तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला बन गया, रेंज का फॉर्मूला बन गया। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है तो वो लिख सकता है इसी को u स्क्वायर sin 2 थीटा वाई जी, sin 2 थीटा वाई जी। सर ये कैसे आया, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, sin थीटा cos थीटा और 2 दिखे तो उसको लिखते हैं हम sin 2 थीटा, देखो u और इनटू u, ये तो u स्क्वायर हो गया, वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया और आंसर आ गया। तो
इस प्रकार से हमने सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने क्यों बोला था इसको याद कर लो, कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाएगा तो आपको टाइम की वैल्यू पुट करना है, ये सब पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, बात समझ में आ गया। दोबारा एक्स का इक्वेशन था इसलिए एक्स वाला लगाया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, पक्का? अब आ गया लास्ट, इसमें क्या आता है, लास्ट इसमें आता है पता है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको प्रूफ करना है एक्स और वाई प्रूफ करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ। तो मुझे पता है वाई क्या होता है, देखो वाई होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरे को वाई तो मिल गया, एक्स नहीं मिला, वाई तो मिल गया एक्स, तो एक्स लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, पिछले वाले इक्वेशन में जाके एक्स लेता हूँ। देखो एक्स यहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देख, अगर तू लिख दे एक्स वाई यू कॉस थीटा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तेरे को, टी, क्या मिल जाएगा, ये तो याद होता है बच्चों को, याद कर लो। एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स क्या होता है यू कॉस थीटा इंटू टी, तो यहाँ लिख दिया मैंने यू की जगह पे यू, ठीक है। ये वाई का है ना, सुनो एक छोटी सी मिस्टेक नहीं करना है किसी को भी, ये वाई का है तो यहाँ वेलोसिटी भी वाई का लिखो, जो कि होता है यू साइन थीटा, क्या होता है यहाँ टी की जगह पे टी, यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यू की जगह यू रहने दिया, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, अब टी की जगह पर क्या पुट कर दोगे, टी की जगह पर क्या पुट कर दोगे, वो चीज़ जो पीछे आपको पता है, टी क्या होता है एक्स वाई यू कॉस थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा, तो यहाँ पुट कर दो एक्स वाई यू कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर हाफ जी टी की जगह पर एक्स वाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि अगर इसकी पावर वन है तो एक्स की पावर क्या है टू, हेंस पाथ कैसा है, पाथ है पैराबोला, क्या है पैराबोला। मैंने पीछे आपको बताया था कि पैराबोला के लिए क्या होता है, अगर y1 हो तो x2 हो, और ये मैंने कैसे प्रूफ किया, पहले y का इक्वेशन लिखा y का, तो y की वेलोसिटी डाली। अब रही बात टाइम की, तो मैंने टाइम को x के टर्म में लिख लिया पीछे वाले फॉर्मूले से, क्यों, अरे बात ही समझे ये वाली बात, ताकि मुझे क्या मिल जाए x मिल जाए। अगर मैं बोलूँ कि दोबारा एक ही लाइन में अगर पूरे को रिवाइज करवाऊँ तो देखो समझना क्या क्या बातें याद करनी होती है हर बच्चे को, कि y में कितना होता है u sin थीटा, क्या होता है इसी को बार बार पुट करते रहते हैं, और एक्सेलेशन क्या होता है माइनस जी, एक्स में एक्सेलेशन जीरो होता है, और वेलोसिटी पता है कितना होता है यू कॉस थीटा, क्या होता है एक्स में वेलोसिटी कितना होता है इनिशियल यू कॉस थीटा, और एक्स में एक और रिलेशन हमने पढ़ा यू कॉस थीटा इनटू टी, यहां से हम इजीली टाइम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसी टाइम की हेल्प से मैंने ये वाला प्रूफ किया है फॉर्मूला, टी में ये पुट करके एक्स बाई यू कॉस थीटा, बात समझ पा रहे हो, अरे टी की जगह पर मैंने क्या पुट किया है एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो पैराबोला प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन भी हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से चैप्टर 5 में जब भी क्वेश्चन आता है बैंकिंग ऑफ रोड का आता है, और मुझे लगता है पिछली बार आया भी होगा कभी ना कभी, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर 5 से सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बैंकिंग ऑफ रोड है, लेवल रोड है बस, और साइक्लिस्ट का है, लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में साइक्लिस्ट नहीं है, 2023 CBSE का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, चेक किया मैंने, साइक्लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी साइक्लिस्ट का आसान होता है, मैं करवा दूंगा इसी के साथ ही। अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड में होता क्या है कि हमने रोड को ऐसे टेढ़ा कर देते हैं ताकि कार इजीली कर्व में ऐसे टर्न ले सके, और टायर हमारे फटे ना, ब्लास्ट ना हो, और पैसा बचे, टाइम बचे, बहुत सारी चीज़ें बचे, है ना, टीयर बियर ना हो। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हमें बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना होता है कि कौन सी वेलोसिटी अलाउड है टर्न लेने के लिए। आपने लिखा देखा होगा 30 मीटर पर सेकेंड ओनली, जब भी टर्न आता है कर्व आता है तो लिखा रहता है 30 अलाउड, 40 अलाउड, 60 अलाउड। तो भगवान आके कान में नहीं बोलते कि भाई सिर्फ 30 लेके जाना है, या तू लगा दे बोर्ड सिर्फ 30 अलाउड है, नहीं, भगवान नहीं बोलते, ये फार्मूला बोलता है जो हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने माना है कि रोड को ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है, इंक्लाइन कर दिया गया है, रोड को ऐसे उठा दिया गया है, एंगल है थीटा, एंगल कितना है थीटा, और हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक कार है, कार जो टर्न ले रहा है, क्या ले रहा है, और कार के और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो है म्यू, क्या है म्यू, इज बेसिकली व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और मैं याद दिला दूं फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, म्यू टाइम्स। अब मेरी बात को समझो, एक ट्रिक है इसके लिए जो आपको एग्जाम में डिक्टो करके आना है, अभी पता लग जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको एन, यहाँ लिखना है एन, यहाँ लिखना है एन, यहाँ लिखना है एन, क्या क्या लिखना है एन एन एन, क्या लिखना है, अब यहाँ लिखना है एस, यहाँ लिखना है सी, अब यहाँ पर लिखना है फिर सी, यहाँ लिखना है एस, देखो एस सी फिर उल्टा कर दिया सी एस, एस सी कर फिर सी एस, अब बात को समझना। अब यहाँ पर ध्यान दो, कहने का मतलब क्या है,
जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं, एससी मतलब लोअर कास्ट के लोग, मैं बस ट्रिक अपना फिट कर रहा हूँ, मैं खुद ही एससी हूँ, लो मजाक कर रहा हूँ। चलो ध्यान दो, मेरी बात सुनो, कोई भी एससी है या एसटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रिक मुझे फिट करना है, ठीक है। तो देखो, जो एससी लोग होते हैं, एससी लोग, उनको इजीली कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, अगर वो बीटेक करे, कुछ भी करे, तो कोटा होता ना कोटा, तो कंप्यूटर साइंस इजीली मिल सकता है, ये मैंने फिट कर दिया। अब यहाँ पर एस का मतलब क्या होगा, देखो सुनो, तो देखो एससी बंदे को, एन था ये, एससी बंदे को कंप्यूटर साइंस मिला तो वो उड़ने लगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा mv² r। जब वो उड़ रहा था तो उसका वेट नीचे लग रहा था, देखो दोबारा, एन एससी वाले लोगों को कंप्यूटर साइंस मिला, वो खुशी के मारे उड़ रहा है। अच्छा, अब एस, अगर सुनो मेरी बात, अगर एससी वाले को सीएस मिला, क्या मिला, ये तो फायदे की बात है, तो फायदे के लिए यहाँ पर म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये फायदे का सौदा है। अब मेरी बात को सुनना, अब कुछ नहीं करना आपको, बताओ क्या करना है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, तो बेटा हमने क्या बोला, म्यू से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मिला है तो फायदा है, दोनों म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब समझो, अब छोटी सी बात समझना, इस ट्रिक को दोबारा करते हैं एक बार, इजीली हो जाएगा, समझ में आएगा दोबारा। देखो अब मैं बताऊंगा एन का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, वेट करो, देखो सुनो, एन लिखा, यहाँ क्या लिखा, एन लिखा, यहाँ लिखा एससी कैटेगरी, और यहाँ कंप्यूटर साइंस, फायदा हुआ, म्यू लगाया, अब प्लस माइनस लगाएंगे बाद में, पहले सुनो, ये उड़ रहा था, फायदा हुआ, उड़ रहा है, ये हो गया एम जी पता होना चाहिए, वी होता है वेलोसिटी, वी क्या होता है, वेलोसिटी। अब समझना, एस का मतलब था साइन थीटा, क्या था, और सी का मतलब था कॉस थीटा, सी का मतलब क्या था, कॉस थीटा, ध्यान देना, ये था कॉस ऑफ थीटा, और ये हो गया mv² r। दोबारा, ये था कॉस ऑफ थीटा, ये था साइन थीटा, ये क्या था यहाँ पर, साइन थीटा, ध्यान से, ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया mg, क्या हो गया ये mg, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और आपका इक्वेशन तैयार है, इक्वेशन कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्वेशन तैयार है। अब इसी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा। सुनो, पहले आप बात सुनो, इसको डायग्राम में कैसे फिट करना है, देखो लिखा है एन साइन थीटा और एन कॉस थीटा mv² r के बराबर है, इसका क्या मतलब है, देखो जब सर्कल होगा, सर्कल क्या होगा, तो इस तरफ होगा mv² r, क्या होगा mv² r, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ध्यान दो बेटा, ये बहुत मस्त ट्रिक है, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, एक बार में याद हो जाएगा, मेरी बात को समझना, डायग्राम समझो, इस तरफ है mv² r, तो पक्का ये दोनों उसके अपोजिट होंगे, तभी जुड़े हुए, तो इसके अपोजिट में इधर क्या लिख दो, n sin theta और μ1 cos theta इस तरफ लिख दो, क्या बात समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे होंगे अपोजिट। दूसरा देखो क्या लिखा है, mg तो हमेशा नीचे लगता है, mg क्या लगता है हमेशा, तो इधर लगा दो mg, क्या लगा दो इधर, अरे mg तो हमेशा नीचे लगता है, तो मैंने डायग्राम में कार का वेट नीचे दिखा दिया, और ये देखो n cos थीटा और n sin थीटा में माइनस का साइन है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ये बड़ा है तभी तो माइनस हुआ है, तो ऊपर लिख दो n cos थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा n cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा म्यू n sin थीटा, क्या डायग्राम बनाने आ गया आपको, बड़ा आसान डायग्राम था ये, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आती है असली बात, क्या आती है बेटा, असली बात आती है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें कि आंसर आ जाए। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन को डिवाइड करो, जब इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो n sin थीटा प्लस μn cos थीटा इज इक्वल टू mv² r, डिवाइडेड बाई क्या कर दो, डिवाइडेड बाई ये रहा n cos थीटा माइनस μn sin थीटा इज इक्वल, यहाँ पर क्या जाएगा डिवाइड में mg, कितना आ गया, अरे डिवाइड हो गया ना उससे, m से m कट गया। अगला स्टेप क्या रहेगा, सुनो अगला स्टेप रहेगा, याद कर लो ये स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाई n cos थीटा, या n cos थीटा से हमने डिवाइड किया इसको, लेफ्ट हैंड साइड को, किसको, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया हमने, n cos थीटा से डिवाइड किया इसको भी और इसको भी, तो देखो यहाँ से अगर n cos थीटा तो n से n गया, और cos sin by cos क्या हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पर भी डिवाइड किया हमने तो n से n गया, इसको डिवाइड किया सब में, n से n गया, cos से cos गया, म्यू बचा, क्या बचा, म्यू, अगली बार में यहाँ पर n cos थीटा पूरा ही चला गया 1, क्योंकि इससे डिवाइड किया ना 1,
यहाँ एन से एन गया, म्यू बचा और साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा। अरे डिवाइड किया ना बेटा, डिवाइड किया तो एन से एन चला जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो गया और ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाई आर जी। आप फटाफट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में। तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आर जी टेन थीटा प्लस म्यू वन माइनस, क्या हो गया, वन माइनस म्यू टेन थीटा, इसका अंडर रूट ले लो क्योंकि वी का स्क्वायर है तो वी आ गया, क्या आ गया। तो यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगी और आप इजीली इसको कर लोगे मैं उम्मीद करता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेस्ट ट्रिक, बहुत सिंपल, डायग्राम भी बन गया, काम भी हो गया। एग्जाम में बता देंगे एम का मतलब होता है मास, जी का मतलब ग्रेविटी, म्यू का मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर तुमसे कोई आंख बंद करके भी बोलेगा तुम तुरंत ऐसे लिख दोगे फटाफट, म्यू ऐसे कैसे लिखोगे, एन 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 एस सी सी एस, ठीक है ना, साइन थीटा ये हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा, फायदा हुआ म्यू म्यू एम बी स्क्वायर आर एम जी प्लस माइनस डिवाइडेड बाई बोथ, फिर डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा, जो कटना कट गया आंसर हाथ में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे बेटा। अगला जो आएगा चैप्टर 5 से डेरिवेशन, वो कौन सा डेरिवेशन होगा, अगला जो डेरिवेशन होगा वो होगा आपका लेवल रोड। उसमें क्या होता है कि भाई रोड कर्व नहीं करते, बस मतलब रोड को उठाते नहीं है, बस रोड घुमा होता है गोल से, गोल चक्कर देखा आप लोगों ने, गोल चक्कर पे से गोल घूम रहा होता है ना, क्या रोड भी टेढ़ा होता है, नहीं। अभी हमने रोड को टेढ़ा किया था, अब रोड ऐसी सिंपल है, लेवल में है, लेकिन उस पर गाड़ी टर्न ले रही है, क्या ले रही है, टर्न। तो समझना उसके लिए हम ऐसा बनाते हैं कि एक रोड है ऐसे उठा हुआ नहीं है पर ऐसे है, उसके ऊपर क्या है, एक कार है, कार उस कार का पूरा वेट नीचे लग रहा होगा और कार के जो अगले वाले टायर्स है उस पर नॉर्मल रिएक्शन एन वन होगा और ऊपर होगा एन टू। ये एन वन एन टू होता क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है, क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो पहली इक्वेशन यहाँ से बन जाती है कि भैया देखो वेट का तो नॉर्मल रिएक्शन ही संभाल रहा है, एन वन प्लस एन टू किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर। दूसरा हमने क्या सोचा, जब ये टर्न ले रहा होगा, क्या ले रहा होगा, टर्न, तो क्या हो रहा होगा, समझो मेरी बात को, फ्रिक्शन लग रहे होंगे टायर्स के बीच में, किसके बीच में, फ्रिक्शन, क्या लग रहे होंगे टायर्स के बीच में, फ्रिक्शन। तो ये भी मुझे समझ में आ गया कि पहला फ्रिक्शन प्लस दूसरा फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स को संभाल रहा होगा, क्योंकि जब गाड़ी घूम रही होगी तो घूमती किसकी वजह से है, टायर के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से, अगर टायर का फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी पलट जाएगी क्योंकि नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा या फिर वो घूम ही नहीं पाएगा। घूमने के लिए हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है और फ्रिक्शन के द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा होता है। तो अब अगला ये एक पहला इक्वेशन है मेरा, ये दूसरा इक्वेशन है, अब मैं इसी से सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। देखो फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं, फ्रिक्शन होता है हमेशा म्यू टाइम्स नॉर्मल, दूसरा फ्रिक्शन में क्या होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल और ये हो गया एम बी स्क्वायर आर, क्या हो गया। अब मेरी बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा आसान है ये, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से म्यू कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा एन वन प्लस एन टू इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, और मैं बोलूँगा मुझे पता है एन वन और एन टू, देखो म्यू कॉमन लिया वो एम जी के बराबर होता है, तो बोलूँगा फ्रॉम वन, क्या बोलूँगा, फ्रॉम वन म्यू हो गया एम जी और ये हो गया एम बी स्क्वायर आर, तो एम से एम कट जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आर इधर आ जाएगा, आर म्यू जी और वो वी का स्क्वायर है, ठीक है, रूट ले लेंगे, रूट लेंगे इस तरफ तो आ गया वी, कितना आ गया वी, तो वी का फॉर्मूला आ गया म्यू आर जी। क्या ये डेरिवेशन आप मजाक वाले कर लोगे, पर शर्त यही है कि आपको बताना पड़ेगा कि रोड है, कार है, फ्रिक्शन है, लेट 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 करना पड़ेगा, क्या बात। तो इस प्रकार से चैप्टर 5 के डेरिवेशन हो गए हमारे। चैप्टर 5 में दो डेरिवेशन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चैप्टर 6 की बात करेंगे, चैप्टर 6 में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, देख रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या देख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, चैप्टर 6 में होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा ध्यान रखना, जो भी वर्क आप करोगे वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आएगा, तो वर्क डन इज ऑलवेज ब्रिंग्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, अगर बॉडी मूव करने के योग्य है तो। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इस पेन को उठाऊंगा तो इसको वर्क करूंगा, क्या करूंगा, तो वर्क क्या करेगा, इस पेन के अंदर वेलोसिटी को पैदा करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा या काइनेटिक एनर्जी को पैदा करेगा। देखो मैंने वर्क किया तो पेन घूम रहा है, इसके अंदर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी क्या आ गया, आ गया। तो वर्क हमेशा काइनेटिक एनर्जी में चेंज पैदा करता है, और ये प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्स्टेंट फोर्स का इस्तेमाल करके, तो ये कहलाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स, क्या कॉन्स्टेंट फोर्स, और दूसरा होता है जब फोर्स आपका वेरिएबल हो, कैसा हो, वेरिएबल फोर्स।
कांस्टेंट फोर्स का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि फोर्स चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि फोर्स चेंज हो रहा होगा। वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाला, एफ इंटू डी एक्स एफ इंटू, और यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला होता है सिंपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू। तो पहले हम कांस्टेंट फोर्स के लिए हम प्रूफ करते हैं। तो हम बोलते हैं कि लेट कर लो भाई, दो पार्टिकल है, सॉरी एक पार्टिकल मान लो, चलो क्या मान लो, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, एक फोर्स लगा f, फोर्स क्या लगा f, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट s हो गया, और फोर्स लगने के कारण इसकी वेलोसिटी इनिशियल थी या फाइनल हो गई, क्या हो गई फाइनल। तो हम बोलेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस के बराबर होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर मैं ऐसे करूँ कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई वन बाई टू इंटू एम, वन बाई टू इंटू एम, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम टू ए एस, टू से टू चला जाएगा, और यहाँ पर आप ठीक से देखें तो आपको समझ में आएगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क, तो ये वर्क हो गया। और इसको ठीक से देखो तो एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या वर्क के बराबर होता है। हाँ जी, जब भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वो वर्क पैदा करेगा, और इसी को बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स। आप एग्जाम में लिखेंगे लेट अ बॉडी हैविंग मास एम इज अप्लाइड अ फोर्स एफ सो दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स यू टू वी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज एस, एंड एस वी नो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ एम, सो इट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, रो बन जाएगा वर्क डन, क्या बन जाएगा हाफ से आप कट जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वर्क डन। तो ये हो गया बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स। अब पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। अगर एग्जाम में वेरिएबल फोर्स बोलता है तो आप ऐसे उसके वेव को बनाओगे, आप बोलोगे सर फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स, फिर आप बोलोगे सर मास एक ऐसी चीज है जो बदलता नहीं है, तो वह इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, पर एक्सेलरेशन बदल सकता है, तो एक्सेलरेशन को लिख दूंगा मैं डी वी बाई डी टी, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी को समझना, कहानी को क्या समझना है, अगर मैं dt को इसके नीचे भेजता हूँ तो ये बन जाएगा dv, और ये बन जाएगा dx by dt, और dx by dt को मेरे प्यारे बच्चों वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगली बार मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये dv by dx by dt हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी और बगल में क्या है dv। अब मुझे साफ पता लग गया कि अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया ये x into dx, x into, तो आंसर आएगा x की पावर 2 by 2, देखो पावर बढ़ जाती है और डिवाइड हो जाती है, तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी u होगा फाइनल, तो यहाँ पुट कर दूंगा u से v, u से जिसको हम बोलते हैं लिमिट को पुट करना, लिमिट को पुट करना, और ये वर्क था, क्या था ये, तो यहाँ से देखो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, एक बार ये पुट करते ऊपर वाला तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, एक बार नीचे वाला पुट करते, नीचे वाला मतलब इस वाले को मैं पुट कर रहा हूँ इसी की जगह पर, तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2। तो देखो आंसर अपने आप आपके हाथ में है, वर्क इजिकल टू क्या हो गया, वर्क इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मैंने एम को अंदर भेज दिया है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। इस चैप्टर में अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम कोलिजन, क्या बोलते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोलिजन। और कोलिजन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है समझना, देखो इसको लिख लिख के करना है आपको, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन इन वन डायमेंशन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है समझना बेटा, ठीक है। कोलिजन भी इंपॉर्टेंट है और एनर्जी का कंजर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन भी मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद सुनो, कोलिजन में क्या होता है बच्चों, ऐसा आएगा कि एक बॉडी है यहाँ पर जिसका मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है u1, क्या है u1, दूसरा बॉडी है मास है m2 इनिशियल वेलोसिटी है u2, ये बाई चांस दोनों टकराते हैं, और दोनों टकराने के बाद क्या होता है छितर बितर हो जाता है, यानी एक इधर, मतलब इसका कुछ मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी कुछ हो गया v1, इसका मास कुछ रहेगा मतलब m2 रहेगा, पर वेलोसिटी क्या हो गया v2, यानी इनिशियल को हम u बोल रहे हैं और फाइनल को v बोल रहे हैं, इनिशियल को u बोल रहे हैं तो फाइनल को v बोल रहे हैं, पहले वाले के लिए 1 लगा रहे हैं दूसरे वाले के लिए
टू लगा रही है। अब हमें कोलिजन का मतलब समझना है। कोलिजन में क्या हुआ, दोनों टकरा गए, दोनों टकरा गए तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। क्यों? टकराने के बाद ये चिपके नहीं और चिपके नहीं सेपरेट हो गए। क्या हो गए? अगर वो चिपक जाते तो उसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? अब मेरी बात को समझना, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कहानी को समझो। अब आपको निकालना क्या होता है, कुछ इक्वेशंस बना के कुछ प्रूफ करना होता है, जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले आप क्या लिखोगे? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड। ठीक है, ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड रहता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इस पूरे दोनों का टकराने से पहले का मोमेंटम जो होगा वो होगा m1u1 प्लस m2u2, और टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो होगा m1v1 प्लस m2v2। अब अगला काम तो हर बच्चा जानता है बेटा, 1 को 1 के पास ले जाओ, 2 को 2 के पास ले जाओ, और बड़ा आसान हो जाएगा। देखो तो मैं लिख रहा हूँ m1u1 माइनस m1v1। 1 को 1 के पास ले आया मैं, ये हो गया m1v1। देखो इसको इधर ले आया, माइनस में चला गया। अब ये है m2v2 और उधर ले गया तो मैं बन गया m2u2 बन गया। क्या बन गया? u2। अब मेरी बात को समझना बेटा, अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हूँ तो साथ दिख रहा है m1 कॉमन आ रहा है। m1 क्या आ रहा है? कॉमन। तो u1 माइनस v1, यहाँ से m2 कॉमन आ रहा है, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 है, ये u2 समझ में आया। u के लिए मैं सिंबल दे रहा हूँ ऐसा कर्व सा। अब मेरी बात को समझना, तो हमारा पहला डेरिवेशन का 50% हो गया। दूसरा क्या है, हम बोलते हैं भाई जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इज कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या क्या थी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा? हाफ m1v1 का स्क्वायर, हाफ m2v2 का स्क्वायर। अब दोबारा वही बेवकूफ़ों वाली बातें। कौन सी बातें? 1 को 1 के, चलो तो हाफ काट दो, ये हाफ सब में कौन आके कट गया। अब 1 को 1 के पास, 2 को 2 के पास, तो m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m2v2 स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे माइनस में, m2u2 स्क्वायर। बेटा मैंने 1 को 1 के पास ले गया, 2 को 2 के पास ले गया, ये बहुत ही बेसिक बात है। अब दोबारा वही वाली बात है, मुझे बेवकूफ़ों की तरह एक चीज़ दिखाई दिया कॉमन। क्या स्टेप सबको सेम चल रहा है? क्या सारे स्टेप सेम चल रहे हैं? अब कॉमन ले लिया तो ये बन गया u1 स्क्वायर, ये क्या बन गया? u1 स्क्वायर, ये बन गया v1 स्क्वायर। यहाँ m2 कॉमन लिया तो ये बन गया v2 स्क्वायर, ये बन गया u2 का स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई कि मुझे बचपन में एक कहानी पढ़ाया गया था, वो स्टोरी क्या थी जो दादा नानी ने सिखाया था, नानी दादा ने सिखाया था? क्या सिखाया था? a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। ठीक है, ये कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं। m2 क्या आ गया बताओ? a² - b² यानी v2 + u2 और मल्टीप्लाई में v2 - u2। तो देखो दो इक्वेशन आ चुका है, समझो मेरी बात को, मैंने क्या सिखाया आपको, ध्यान दो। पहला इक्वेशन मैंने ये बनाया, और ये बनाना बच्चों का खेल था। 1 को 1 के पास ले गए, 2 को 2 के पास ले गए, मास को कॉमन लिया। सेम 1 को 1 के पास ले गए, 2 को 2 के पास ले गए, मास को कॉमन लिया, और बचपन वाली स्टोरी याद आ गई हमें, a² - b² देखो जिसको नहीं पता सुन लो, a² - b² क्या होता है? a + b एंड a - b। अब मैंने लगा दिया, मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दो इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब सुनो, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? 2 / 1। तो देखो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो क्या m1 से m1 कट गया? खत्म। m1 से m1 कट गया, और u1 - v1 भी कट गया, u1 - v1 भी कट गया, तो यहाँ बचा u1 + v1। अगली बार में क्या देखो, ये ऊपर है m2 ऊपर है, ये नीचे m2 कट गया, ये माइनस वाला पार्ट भी कट गया, तो क्या बचा? v2 + u2। और यही आपको प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूफ करो ऐसा कुछ। देखो सुनो, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 को 1 के पास u/u2 इज इक्वल टू v2/v1। कॉमन लिया मैंने 1 को 1 के पास ले गया, 2 के 2 के पास। अब याद करो ये क्या था, याद करो ये था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ। मैंने बोला एक बंदा 20 की स्पीड से जा रहा है आगे, और एक उसको 30 की स्पीड से वो ऐसे पीछे उसके पड़ा है, तो ये वेलोसिटी का अप्रोच हो गया ना, दोनों को माइनस करेंगे। अरे समझो नहीं मेरी बात को, सुनो, स्टार्टिंग में जाओ, इस बंदे का वेलोसिटी था u1, क्या था? u2। तो कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा? मैंने कहा मान लो इसकी स्पीड है 10, कितनी है, और इसकी स्पीड है मान लो 5, तो कितना इन दोनों में गैप है? 5 का ना, तो समझ पा रहे, या फिर इसका 15 इसका 10 है, तो कितना हुआ? 5।
तो पाँच का, इसके पास पाँच ज़्यादा है, पाँच क्या है, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है। तो सुनो यही तो आया है, यू वन माइनस यू टू कितना आया, देखो ये रहा, तो यू वन माइनस यू टू को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या बोलते हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एग्जाम में यही प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ डैट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या है और उसमें लिखा हुआ है इलास्टिक कोलिजन, क्या लिखा है, तुम ये करके आओ, तुम्हें पाँच में से साढ़े चार मार्क्स या चार मार्क्स पक्का मिलेंगे, क्योंकि अगला कुछ नहीं है, अगला स्टेप मैं बताता हूँ। चलो यहाँ से अब क्या कर रहा हूँ मैं, सुनो, अब यहाँ से मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू, यहाँ से डिवाइड करने पे आंसर आता है वन, क्या आता है, अरे वन ही तो आएगा जब इसको भेज देगा उस तरफ, तो यहाँ क्या बचेगा, वन, इसी वन को बोल देते हैं हम, चलो अभी मैं वन को बोलते रहा हूँ, ऐसे बोलना सही नहीं है, पर इसको बोलते हैं ई, ई का मतलब है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि वन होता है, क्या होता है, रेस्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि वन होता है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, क्या बात समझ में आ गया। तो अगर आप सुनो, आप तुमसे पता क्या क्या पूछेंगे कि वी वन बताओ, क्या बताओ, तो वी वन किसके बराबर है, यू वन माइनस यू टू माइनस वी टू, मतलब कर लेना यहाँ से जो बोले निकाल लेना, अगर इसकी हेल्प से नहीं निकाल पा रहे तो इसको उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, किसी भी इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कोलिजन खत्म हो गया। अच्छा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का पक्का। अच्छा अब हम करेंगे इस चैप्टर में एक और लास्ट जो है मैं करवा दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो है एनर्जी लॉ, वो वाला एनर्जी कंजर्वेशन का डेरिवेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का डेरिवेशन। प्रूफ करना होता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन लिखा जाए तो कैसे करते हैं, देखो हम मानते हैं कि मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट है h, बिल्डिंग की हाइट क्या है h, और यहाँ पर कोई बॉल रखा, क्या रखा हुआ है, बॉल, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब मुझे बताओ क्या इस बॉल के पास, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब बोल रहा है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी मतलब जितना एनर्जी ए पर होगा उतना एनर्जी किस पर होगा, बी पर। यही हमें प्रूफ करना है कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज सेम या कॉन्स्टेंट, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ए पर एनर्जी निकालने जा रहे हैं, देखो अगर मैं ए पर एनर्जी निकालूं, एनर्जी एट ए निकालूं, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पार्टिकल रुका हुआ है, अभी बस छोड़ने वाले हैं, क्या है वो, रुका हुआ है, ड्रॉप करने वाले हैं, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि होगा एम जी एच, क्या होगा, एम जी एच इज काइनेटिक एनर्जी एट ए, कहाँ पर आ गया, ए पर। अब मैं बी पर निकालूंगा, कहाँ पर निकालूंगा, पहले मैंने ए पर निकाला, अब बी पर निकालूंगा, और मैं चेक करूंगा क्या इसके पास जो एनर्जी है वो सेम है या नहीं। तो बी पर एनर्जी निकालने के लिए मैंने क्या सोचा, जब मैं बी पर जाऊंगा तो बी पर जब वो आ रहा होगा, गिर रहा होगा, तो इसके पास वेलोसिटी होगा, क्या होगा, तो वेलोसिटी होगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, बी पर जो भी वेलोसिटी होगी, प्लस में काइनेटिक एनर्जी तो हो चुका है, अब प्लस में पोटेंशियल, क्या लिखना है, पोटेंशियल, लेकिन जब वो धरती पर लौटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, एम जी एच, और यहाँ पर हाइट क्या होगा, जीरो, तो यहाँ पर हाइट कितना हो जाएगा, जीरो। अब मेरी बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या ये दोनों एनर्जी सेम है, तो आप बोलोगे नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमने वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पुट करी। अब यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बी पर, तो नाउ हम बोलेंगे, देखो भाई वेलोसिटी ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, इनिशियल तो जीरो था, इनिशियल क्या था, तो वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर किसके बराबर है, टू जी एच के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी वाले इक्वेशन को उठा रहा हूँ और इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो एनर्जी ऑफ बी कितना निकला, हाफ एम टू जी एच, क्यों भाई, बी का स्क्वायर इतना ही तो है, तो हाफ से हाफ कट गया, और जादू देखो एम जी एच, एम जी, तो जितनी एनर्जी ए पर थी उतनी एनर्जी क्या है, बी पर। तो हमने प्रूफ कर दिया एनर्जी कंजर्व, तो चैप्टर सिक्स यहाँ से हो जाता है। अच्छा चैप्टर सिक्स में क्या तुम वो वाला जानते हो, एनर्जी लॉस इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने पूरा चैप्टर ही करवा दिया आपको, ठीक है ना, एनर्जी, एनर्जी लॉस इन इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता कि ये कौन सा कोलिजन है कौन सा नहीं है, तो देखो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है, क्या एक पेड़ या एक बॉक्स है, क्या ये बॉक्स है, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो रखी हुई है वेलोसिटी, और यहाँ पर एक गोली है, क्या है गोली, क्या है यहाँ पर गोली, ये गोली है गोली, तो गोली जाएगा तो इस बॉक्स में घुस गया, बॉक्स में घुस गया, तो ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन।
जब भी जाके चिपक जाए तो इनइलास्टिक कोलिजन। तो हमने बोला गोली का मास है मान लो m1, वेलोसिटी है u1, इसका मास है m2, वेलोसिटी है 0। अब होगा क्या, जैसे ही गोली इसके अंदर लगेगा कि दोनों साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, हाँ, तो हो जाएगा m1 प्लस m2, गोली भी है और बॉक्स भी है और कुछ ना कुछ इनका वेलोसिटी भी होगा। तो हमने बोला वेलोसिटी क्या है, वी। पहले एक चीज रखा हुआ था, गोली पड़ा साथ में मूव करने लग गए, तो ऐसे को बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसमें एनर्जी लॉस निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं, देखो भाई जो भी एनर्जी लॉस होगा, जो भी एनर्जी लॉस होगा पता कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि आप क्या करो, आप पहले लिखो एनर्जी लॉस निकालना है, तो आप लिखो पहले इनिशियल एनर्जी, लिखो इनिशियल होगा हाफ एम वन और ये क्या है यू वन स्क्वायर, इसके पास एनर्जी था ही नहीं प्लस जीरो, तो ये आपका इनिशियल एनर्जी क्या है। अब फाइनल माइनस कर दो, फाइनल एनर्जी, फाइनल कैसे माइनस करोगे, हाफ हाफ है हाफ एम वन प्लस एम टू। देखो इसके पास वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, हम एनर्जी निकाल कैसे रहे, यह है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू जीरो का स्क्वायर। अब मैं निकाल रहा हूँ हाफ टोटल मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर वी का स्क्वायर, हाफ टोटल टोटल मास इंटू वी का स्क्वायर, तो यही हमारा एनर्जी लॉस है, क्या है एनर्जी लॉस। देखो अगर आप चाहो तो इसको, अगर आप चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, थोड़ा कॉमन लेना है, इसमें वी की वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर इतना भी करके आते हो, चलो मैं बता देता हूँ ऐसे ये वी कहाँ से निकालोगे, चलो इतना कुछ किया है तो लास्ट में भी कर ही लेते हैं। अब याद करने वाली बात क्या, देखो अगर मैं बोलता हूँ मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम तो होगा कंजर्व्ड, हर जगह मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, तो हम क्या लिखेंगे एम वन यू वन प्लस एम टू इंटू जीरो, दूसरी बॉडी का जीरो है ना, इजिकल टू एम वन प्लस एम टू इंटू में वी, जो फाइनल वेलोसिटी है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आप वी निकाल सकते हो, देखो आ जाएगा एम वन यू वन, ये तो जीरो हो गया, एम वन प्लस एम टू इंटू वी। आप समझे मेरी बात को, आप क्या कर सकते हो, जो एम वन प्लस एम टू को डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो पता क्या हो जाएगा, एम वन यू वन बाई एम वन प्लस एम टू, यहाँ से वी निकला, इस वी को भी यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये एनर्जी लॉस है, क्या ये एनर्जी लॉस, जब गोली जाके उसमें चिपक जाएगा, गोली जाके उसमें चिपक जाएगा या कोई भी बॉडी जाके चिपक जाए, मैंने मिट्टी फेंक के मारा दीवार में चिपक गया तो एनर्जी लॉस होगा, और ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 हमारे हो गए बेटा। चैप्टर 8 यानी ग्रेविटेशन, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। देखो पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा डेरिवेशन करने से पहले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इसमें कौन से डेरिवेशन है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वेरी फर्स्ट डेरिवेशन कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर सरफेस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ का है और ये अर्थ के सरफेस पे हम रहते हैं कि सर यहाँ पे वैल्यू ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अगर मैं कहीं और दूर चले जाऊँ किसी हाइट पर चले जाऊँ तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, और बहुत दूर चला गया तब तो मर जाऊँगा, मजाक कर रहा हूँ, जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्या हो जाएगी जीरो, बहुत ऊपर जाने पर जीरो। और दूसरा मुझे यह भी पढ़ना है कि अगर मैं ज़मीन में गड्ढा खोदने लग जाऊँ और गड्ढा खोदते हुए नीचे जाऊँ तब ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी और ऊपर भी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। देखो ऊपर जाएंगे धीरे धीरे कम होगा और ऊपर चले गए बहुत ज़्यादा तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, गड्ढा खोदेंगे तब भी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी और बिल्कुल सेंटर पर चलेगा तो जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जीरो, यानी ऊपर जाने पर भी कम होती है नीचे जाने पर क्यों क्या कम, बहुत ऊपर जाने पर जीरो बहुत नीचे जाने पे कम, यानी कम मतलब जीरो, सेंटर पे भी क्या होता है जीरो। तो यही सब हमें ड्राइव करना होता है। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या पढ़ रहे हैं हम, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस, सॉरी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट, at the height h above from the surface, और इसी को बोलते हैं altitude, क्या बोलते हैं variation at altitude, variation in g with altitude मतलब height। अब इसको कैसे drive करेंगे समझना, drive करना बड़ा important है, बड़ा आसान है समझना, एक ही तरीका है समझो, पहले आप इसे ऐसे दो line खींचना, पहले बोलना देखो भाई
मैं सीधा साधा बंदा, जब मैं यहाँ खड़ा था तो ग्रेविटी की वैल्यू सर ने सिखाया था जी सरफेस, क्या सिखाया था, जी एम ई बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और जब मैं अर्थ से दूर गया, अर्थ से मैं दूर गया एच हाइट ऊपर, तब मुझे ग्रेविटी जो फील हुआ वो मुझे फील हुआ ग्रेविटी एच, ग्रेविटी एच मतलब एच हाइट ऊपर। और वो जो मैं फील करूँगा वो जी कभी चेंज होगा नहीं, मास ऑफ अर्थ कभी चेंज नहीं होगा, बस रेडियस ऑफ अर्थ में एच जुड़ गया। एच क्या हो गया, जुड़ गया, रेडियस ऑफ अर्थ में एच जुड़ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। आप बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे बढ़ गया, अबे भाई तू ऊपर चला गया, तो पहले जो आर ई था वो हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड करो, तुम्हारा डेरिवेशन हो गया 3 मार्क्स का तुम्हारी जेब में। मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बोथ। तो डिवाइडिंग बोथ कैसे, मैं 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 को 1 से। तो डिवाइड करने पर मेरे प्यारे बच्चों देखो जादू होगा, क्या जादू होगा, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बाई जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ये से ये कट गया, आर ई ऊपर चला जाएगा, और आर ई अगर ऊपर चला गया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ध्यान रखना हमने डिवाइड किया था तो यहाँ भी जी आएगा, क्या आएगा, जी एस, जी ऑफ सरफेस। तो यहाँ से डेरिवेशन हो गया और 3 मार्क्स का डेरिवेशन तुम्हारा रेडी है, क्या है, जी एस आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आप चाहो तो कंबाइन में भी स्क्वायर लगा सकते हो, कंबाइन में कैसे, कंबाइन में जी एच इज इक्वल टू जी एस आर ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना एग्जाम में तुम ऐसे लिखोगे 3 मार्क का, तुम्हें सिर्फ 2.5 मार्क्स मिलेगा, क्यों, वो काट लेगा, तूने टीचर को बताया नहीं कि लेट आर इज द रेडियस, लेट एच इज द हाइट। भाई ये लेट कर लेना, ठीक है, और बोलना कि भाई लेट एम ई इज द मास ऑफ अर्थ, लेट और ऑल्सो जी इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, पूरा लेट लेट करना है, लेट जाना है पूरा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन हो गया। अच्छा सुनो, इसका स्पेशल केस भी होता है, एक स्पेशल केस और क्वेश्चन में काम आता है। देखो स्पेशल केस क्या होता है, अगर हमारा हाइट, सुन लो, अगर हमारा हाइट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपेयर में, क्या बोला मैंने, हाइट बहुत कम है रेडियस के, मतलब हम अर्थ की सरफेस से ना 1 मंजिल ऊपर गए, 2 मंजिल ऊपर गए, 5 मंजिल ऊपर गए, 10 मंजिल ऊपर गए, बहुत ऊपर नहीं गए, ये नहीं कि हमने स्पेस पार कर दिया, या फिर बहुत दूर नहीं गए। जब बहुत दूर नहीं जाते, हाइट कम होता है, तो यही फॉर्मूला ऐसा बन जाता है जी 1 - 2hyr। कैसे, तो आप लिख देना फ्रॉम बाइनोमियल। बाइनोमियल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल लगाने के बाद आपको ये आंसर मिलता है, आप इतना लिख के इतना छोड़ दोगे तब भी सही है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगा के हमें ये मिलता है, स्पेशल केस है, और मेन डेरिवेशन यही तक है, मेन डेरिवेशन, क्या बात समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे, सुनो, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब मैं, सुनो, अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, क्या ये सरफेस है, अगर मैं, ये है डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस, अगर मैं सरफेस से दूर जाऊंगा तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। अगर मैं सरफेस है, सरफेस से दूर जा रहा हूँ, डिस्टेंस इस तरफ है ना, दूर जा रहा हूँ, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम। कम क्यों होगी बेटा, उसके पीछे रीज़न यहाँ से पता ले लो, यहाँ से भी पता लग जाएगा आपको। देखो जी में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। और यहाँ से भी पता लग रहा है कि नीचे एक बहुत बड़ी संख्या है, अगर नीचे बहुत बड़ी संख्या है तो ऊपर वाला आंसर क्या आएगा, कम। पता नहीं बात, अरे नीचे बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, कम। तो इससे पता लगता है कि ऊपर जाने पर ग्रेविटी क्या होती है, कम। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। तुमने सरफेस पे देखा, तुमने हाइट पे देखा, अब गड्ढा खोदेंगे। अब सुनो, तो दोबारा 2 लाइन अब पढ़ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। चलो डेप्थ के साथ देखते, प्यारे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, क्या रे भोले वाले तो नहीं है भाई, सुनो, देखो ध्यान दो, दो लाइन खींच दिया, अरे 2 लाइन खींच दिया क्या, अब इस तरफ लिख दो सरफेस पे, कहाँ लिख दिया, अगर बंदा कोई सरफेस पे खड़ा है, गाना गा रहा है, तो जी एम ई बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर जो मैंने याद कराया था, बात खत्म। अब वो गड्ढा खोद के नीचे चला गया, अगर अर्थ इतना बड़ा था, उसने गड्ढा खोद दिया डी, कितना खोद दिया डी, और उसका रेडियस था आर ई, कितना था रेडियस आर ई, अब वो गड्ढा खोद के यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ, तो क्या उसके लिए अर्थ भी छोटा हो गया, हाँ,
उसके लिए अर्थ भी छोटा हो गया। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूँ जी डी, क्या लिखूँ? जी डी इज इक्वल टू जी क्या? देखो पहले वाले फॉर्मूले में एम ही था, अब पूरा मास नहीं है, अब इतने ही अर्थ का मास होगा, तो मास ई डैश। अब मास चेंज हो गया तभी ये डिफिकल्ट हो जाता है, और रेडियस भी चेंज हो गया। रेडियस कितना हो गया? पहले आर ही था, डी माइनस हो गया, डी माइनस हो गया इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आंसर तुम्हारी जेब में, ठीक है? तो यही हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। अब सुनो, अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देखो इसको इक्वेशन वन मानता हूँ, इसको इक्वेशन टू मानता हूँ, डिवाइडिंग बोथ करता हूँ, क्या करता हूँ? डिवाइडिंग बोथ, यानी टू बाई वन, टू बाई वन, टू बाई वन करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? जी डी बाई जी, जी डी बाई जी, जी एम ई डैश, जी एम ई डैश बाई आर ई डी माइनस डी बाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई वट? वट मेरे प्यारे बच्चों? जी एम ई वाई आर ई का स्क्वायर। देखो जी से जी कटेगा, जी से जी कटेगा, ये हो गया एम ई डैश, क्या हो गया? एम ई डैश, ये आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ये हो गया आर ई स्क्वायर, क्या हो गया? आर ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मास ऑफ ई, मास ऑफ ई। यानी कि यही हमारा फॉर्मूला है, लेकिन लेकिन मेरे को एम ई डैश की वैल्यू कहीं ना कहीं से चाहिए। देखो भाई, अगर आंसर सॉल्व करना है तो एम ई डैश पता होना चाहिए, एम ई डैश, क्योंकि ये छोटा वाला अर्थ हो गया ना हमारा गड्ढा खोदने से। तो एम ई डैश निकालने के लिए क्या करते हैं? एक तरीका है, एक ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है? हम ये बोलते हैं, नाउ हम बोलेंगे कि डेंसिटी ना, डेंसिटी, डेंसिटी कॉन्स्टेंट होता है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी कभी चेंज नहीं होता। आपने सुना होगा पानी इतना सा ले लो, या पानी एक समुंदर का ले लो, मतलब पानी एक बाल्टी लो या पानी एक चुल्लू भर लो, डेंसिटी सेम रहती है। डेंसिटी तो अर्थ बड़ा हो या छोटा हो उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो डेंसिटी, देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास, क्या होता है? मास, है ना? या फिर सबको छोड़ो, हम ऐसा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? डेंसिटी सेम है, डेंसिटी क्या है? सेम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास, समझो डेंसिटी सेम है, यानी डेंसिटी बिफोर इक्वल टू, क्या कर रहे हो तुम लोग? डेंसिटी बिफोर इक्वल टू डेंसिटी पहले, तो मैं एम ई बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब लिख रहा हूँ। बोले बात समझ में आया? पहले मास था m, वॉल्यूम था 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, बाद में हो गया मास एम ई डैश, क्या हो गया? तो 4 बाई थ्री पाई, अब रेडियस पता क्या हो गया? आर ई माइनस डी का क्यूब, रेडियस ही तो होगा। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब, 4 बाई थ्री पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? अरे मुझे, मेरे को एम ई डैश चाहिए, क्या चाहिए? मेरी बात नहीं समझ पा रहे? अरे डेंसिटी को सेम, क्या डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, तो मास अपन वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पहले मास एम ई था, बाद में एम ई डैश। अब यहाँ से क्या है? यहाँ से मैं इजीली एम ई डैश निकाल सकता हूँ। देखो ना, 4 बाई थ्री से 4 बाई थ्री पाई गया, तो एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब बाई आर ई क्यूब इज इक्वल टू एम ई डैश। अब तुम चाहो तो वहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, अब चाहो तो इसमें पुट कर दो। आंसर क्या है? जी जी डी बाई जी। देखो जो ऊपर मैंने आंसर निकाला है, पता क्या निकाला है? जी डी बाई जी इज इक्वल टू एम ई डैश आर ई स्क्वायर, ठीक है, आर ई माइनस डी का क्यूब, और यहाँ था एम ई, क्या था? अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये क्या पुट कर रहा हूँ मैं? इसको इसको इसमें पुट कर रहा हूँ, एम ई डैश को। आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे? आप लिखोगे यहाँ पर कि सर लेट दिस इक्वेशन, जो पीछे आपने ड्राइव किया है उस इक्वेशन को आप क्या मान लोगे? लेट दिस इक्वेशन इज वन, क्या मान लोगे? वन। और नीचे क्या लिख दोगे? सुनो, नीचे लिख दोगे कि भाई ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन जो मैंने ड्राइव किया एम ई डैश के लिए, वो कितना हो जाएगा? टू। अब वन एंड टू से, वन एंड टू से क्या हो जाएगा? देखो फ्रॉम वन एंड टू, अब इसको एम ई डैश की जगह पुट कर दो, तो जी डी वाई जी कितना हो गया? एम ई डैश पुट कर दूँ? अरे एम ई डैश कितना है? एम ई आर ई माइनस डी का क्यूब बाई आर ई क्यूब, और नीचे हम अब यहाँ पर आर ई स्क्वायर है, क्या है? आर ई स्क्वायर, और यहाँ पर ये भी बच गया ना दोनों। अभी मैंने एम डैश पुट किया है खाली, अरे मैंने खाली एम डैश पुट किया भाई, अब दो रह गया, ये भी, ये जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल तो लिखोगे ही ना, जो पहले से था आर ई माइनस डी का क्यूब है, क्यूब नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर क्यूब नहीं था, ये मैंने गलती करी है, पीछे देखोगे स्क्वायर था ये, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या है? सुनो, यहाँ पर एम ई है, क्या यहाँ पर देखो, एम ई से एम ई गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर गया, यहाँ आर बचा, क्या बचा? आर, ये क्यूब से स्क्वायर गया, तो आंसर देखो कितना आसान हो गया। आंसर देखो, जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी, यहाँ बचा है कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ खत्म हो गया, एक नीचे आर बचा, यहाँ पर क्या बचा? आर ई, यहाँ बचा, और कुछ बचा? यहाँ पर
कुछ भी नहीं बचा, तो यही आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया देखो हमारा, आ गया जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर ई माइनस डी बाई आर ई। इसी को कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, इसी को अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं जी डी इज इक्वल टू जी आर ई माइनस डी बाई आर ई। आप चाहो तो हो गया हमारा डेरिवेशन। सुनो, जिसको भी ये मुश्किल लगा हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो बहुत ईजी करा दिया। दोबारा सुनो, कितना आसान था ये, दोबारा सुनो, बहुत ही आसान था ये। पहला कॉन्सेप्ट क्या है सुनो, पहला जो कॉन्सेप्ट है ध्यान दो, बात मत करो। पहला था आपने जी लिखा, जी डी लिखा, सुन लो स्टेप, जी लिखा, जी डी लिखा, और फिर आपने डिवाइड किया जी डी बाई जी, तो आपको क्या मिला, एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला, ऊपर एम ई डैश, यहाँ पर आर ई स्क्वायर, यहाँ मिला आपको आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या मिला आपको, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। अच्छा क्या कुछ, हाँ एम ई मिला, क्या मिला, एम ई, एम ई। फिर आपने सोचा कि यार मैं एम ई कहाँ से निकालूँ, एम ई कहाँ से निकालूँ, तो आपने डेंसिटी को कॉन्स्टेंट किया, आपने बोला फोर बाई ओ मास अपॉन, क्या बोला आपने, एम ई बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। जब स्टार्टिंग में ऐसा केस होगा, अगली बार डेंसिटी क्या हो जाएगा, एम ई डैश बाई फोर बाई थ्री पाई आर ई माइनस डी का क्यूब। इससे आपने क्या किया, काट पीट के एम ई डैश निकाला, उस एम ई डैश को यहाँ डाला और आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, उस एम ई डैश को यहाँ डाला और आंसर आ गया। इस प्रकार से हमारा ये डेरिवेशन भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बेटा अगर ग्रेविटेशन वाला हमने कर लिया, अब ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं दो, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन। किसकी डेरिवेशन, ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन, की डेरिवेशन। अब ये कैसे करेंगे, बहुत इसी तरीके से। अच्छा होता क्या है वेलोसिटी, अगर देखो अगर हमारा ये अर्थ है, क्या ये अर्थ, तो हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, अर्थ के ऊपर जाते हैं, वहाँ से सैटेलाइट को छोड़ते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते हैं। अगर तुमने एक धीमी वेलोसिटी से छोड़ा, क्या छोड़ा, तो अर्थ के ऊपर ही गिर जाएगा। ले कोई बंदा आराम से चाय पी रहा है, उसके मुंह पे सैटेलाइट, ठीक है ना, घर पे सैटेलाइट। तो हमने कहा थोड़ा और तेज वेलोसिटी दो, थोड़ा और, यानी कम से कम कितना वेलोसिटी, सुनो कम से कम कितना वेलोसिटी दे कि वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमे, ना कि अर्थ के सरफेस पे। अगर बहुत तेज दे दोगे तो साला उधर ही, मैं साला पहली बार मैंने ये वर्ड गलती से यूज कर दिया। ओके ये मेरा भाई है, ध्यान दो, अब तो यूज कर दिया है, कोई नहीं समझ जाओगे, हो जाता है वो, गलती से हो गया, कोई नहीं, अरे कुछ नहीं होता। तो अब होगा क्या, अगर तुमने बहुत तेज वेलोसिटी दे दिया उधर चला जाएगा, ठीक है, कम दिया तो अर्थ पे गिर जाएगा। तो हमें एक बैलेंस वेलोसिटी देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, या फिर इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू व्हाट, पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में पुट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसको बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कैसे निकालते हैं, तो हम मान लेते हैं, सुनो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा ये है ना, ये जो हमारा ये है ऑर्बिट में घूम रहा है, हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है। जब घूम रहा होगा तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो सुनो, घूमने के लिए एक दो फोर्स होते हैं, घूमने के लिए फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। घूमने के लिए जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात को सुनो, कॉल आ रहा था, सुनो, घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, अब मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसने पैदा किया, अर्थ ने, किसने पैदा किया, तो हम बोलेंगे अर्थ का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करेगा। और ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, जी m1 इनटू में मास ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पर सैटेलाइट है, क्या है, तो मास ऑफ सैटेलाइट क्या है, ये मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर लोगे या कुछ और लोगे, गधो यहाँ तक का लोगे ना, तो आर ई प्लस एच लोगे, क्या लोगे, तो ये क्योंकि देखो ना फोर्स इस पर लग रहा है ना फोर्स, तो डिस्टेंस सेंटर से लोगे, सेंटर से कहाँ से लोगे, तो ये तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, क्या हो गया ये रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हो गया उसका ऑर्बिट, क्या हो गया ऑर्बिट, हमने मान लिया एच पर है, कहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर क्या होगा आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच, बात को समझ पा रहे, आर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ये होगा ना जब हाइट पर है, तो आर ई प्लस एच। अब यहाँ से देखो मास, ये किसका है, सैटेलाइट का है ना,
सैटेलाइट घूम रहा है ना, ये सैटेलाइट का सेंट्रिपेटल फोर्स है यार, mv² r, ये सेंट्रिपेटल फोर्स होता है। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ गया तो देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया जी, अच्छा सॉरी मैंने अर्थ क्यों काटा, यहाँ मास ऑफ सैटेलाइट कटेगा तो जी मास ऑफ अर्थ, ये स्क्वायर है ये एक है, एक कट गया, यहाँ re+h, और ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर, रूट लगा दिया। दिस इज द डेरिवेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, डेरिवेशन फॉर ऑर्बिटल। अगर मैं बोलूँ मैंने कैसे किया, मैंने कहा देखो ये मेरा अर्थ है, ये मेरा क्या है अर्थ, ये रेडियस आर ही है, यहाँ पर घूम रहा है कोई बंदा, यहाँ तक का हाइट कितना है एच, हाइट कितना है H. तो जो भी सेंट्रिपेटल फोर्स होगा वो इसकी वजह से होगा, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा जी मास ऑफ अर्थ, अरे मास ऑफ अर्थ सैटेलाइट भाई, जी लिख दिया मैंने गलती से, जी नहीं एम होगा सॉरी, सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है mv² r, मतलब आर ई प्लस एच, एक से कट जाएगा मास से मास कट जाएगा सैटेलाइट का, आंसर आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ गया। अब जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना ये निकल गया, अब हमें निकालना होता है इस चैप्टर में एस्केप वेलोसिटी, क्या निकालना होता है एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। देखो अगर ये मेरा अर्थ है, सुनो ये अर्थ इधर फोर्स लगाता है, अर्थ क्या लगाता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, क्या लगाता है नीचे की तरफ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे अर्थ के सरफेस से ना बाहर निकलना है, तो कोई बंदा मेरे को नीचे से उछाले क्या मैं बाहर निकल जाऊंगा, नहीं फिर आ जाऊंगा, तो मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देनी पड़ेगी, पर्टिकुलर बहुत तेज वेलोसिटी या फिर एक फिक्स वेलोसिटी, जिससे मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाऊँ। जो हम रॉकेट को देते, किसको देते रॉकेट में नीचे हम फोर्स लगाते हैं, थ्रस्ट लगाते हैं नीचे, तो रॉकेट ऊपर जाता है, तो हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि स्केप कर जाए। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू स्केप द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करूँ तो पहले आप छोटी सी बात को याद कर लो, क्या याद कर लोगे कि भाई देखो जब जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, जो भी बंदा है जो भी पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा ना, तो ऊपर जाने के लिए उसको वर्क करना पड़ रहा होगा, क्या करना पड़ रहा होगा, तो वो जो वर्क का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है जी मास ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी है, इनटू मास ऑफ अर्थ और जो भी उसका डिस्टेंस है आर। ये वर्क का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है वर्क का फॉर्मूला है, जब भी कोई बंदा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ बाई आर। बात समझ में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब ये जो वर्क करके वो जा रहा होगा ऊपर, इस वर्क की वजह से इसके पास क्या रहा होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या रहा होगा, तो हम बोलेंगे चलो मैं स्टेप बाई लिखता हूँ कि द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी इज वर्क इज इक्वल टू जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ बाई आर। नाउ अब यही वर्क है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यही वर्क है जो काइनेटिक एनर्जी में, अरे सोचो ना यही वर्क जो है जो वेलोसिटी पैदा कर रहा है, तो ना बोलेंगे दिस वर्क दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, लिख देता हूँ इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से क्या आ जाएगा उसके पास, सोचो हमें निकालना क्या है एस्केप वेलोसिटी, क्या निकालना है एस्केप वेलोसिटी, सोचो एस्केप वेलोसिटी कब होगा, एस्केप कब करेगा वो, जब वो ऐसे ऊपर जाए फोर्स लगा के ऊपर जाए और वो वर्क करे, क्या करे, और वही वर्क की वजह से क्या आएगा उसके पास वेलोसिटी, उसी के पास तो वेलोसिटी आएगा ना। तो हमने बोला जो ये वर्क है वो हमारे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो वर्क क्या होता है जी me by r इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और यही वेलोसिटी हमारा, ये बॉडी है ना बॉडी, जो बॉडी के पास वेलोसिटी है यही वेलोसिटी हमारा कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। तो mb से mb गया और यहाँ पर आपको क्या मिल गया आंसर, क्या मिल गया जी me by r, ये 2, तो रूट ये आ गया एस्केप वेलोसिटी, क्या आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, इस प्रकार से ईजिली आपने सारे डेरिवेशन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर 8 अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब अपन करेंगे क्या, चैप्टर 9, 10, 11, 12 भी एक बार कर लेंगे, ठीक है, टाइम निकाल के। अगर वैसे तो तुम्हें खुद करना चाहिए, वो सब हो रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्जॉय योर डे। क्या तुम्हें ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आ गया, एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया, ऑर्बिटल में क्या हुआ था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो mv² r के बराबर था, इसमें वर्क जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर है।